पेपर लीक पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 कानून लागू। एंटी पेपर लीक लॉ के तहत दोषियों को 10 साल जेल के साथ 1 करोड़ का जुर्माना। एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की होगी सजा। यूपी में पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने जारी किया नया आदेश। नई प्लानिंग के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियां करेंगी। एंटी पेपर लीक कानून को लेकर कांग्रेस ने कहा, यह कानून फरवरी में पास हुआ, अभी लाया गया, मतलब डैमेज कंट्रोल किया गया। जयराम रमेश ने कहा, इस कानून के तहत लीक के बाद के घटनाक्रम पर प्रभावी होंगे, लेकिन ज्यादा जरूरी वैसे कानून और प्रक्रिया है जिससे लीक हो ही ना। नीट में धांधली के बीच एनटीए का बड़ा फैसला, 27 जून को होने वाली सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा रद्द। एनटीए ने कहा, लॉजिस्टिक की वजहों से लिया गया फैसला। परीक्षा रद्द करने को लेकर एनटीए ने कहा, संसाधन कम होने की वजह से परीक्षा को थोड़े समय के लिए स्थगित किया गया। इसके पहले एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द कर दी थी। एग्जाम स्थगित होने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह तीसरी परीक्षा जिसे एनटीए ने स्थगित किया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आखिरकार सरकार का दावा कहां गया। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन, आपके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन की बौछार। दिल्ली में जल संकट को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर आतिशी, दक्षिण दिल्ली के भोगल में आतिशी की भूख हड़ताल। दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने कहा, मैंने हर संभव रास्ता अपनाकर देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गैलन प्रतिदिन एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, हरियाणा उनके हिस्से का पानी दे नहीं रहा। जब तक दिल्ली वालों के हक का पानी नहीं मिल जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। आतिशी के अनशन के बीच स्मिता केजरीवाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का संदेश पढ़ा। स्मिता केजरीवाल ने कहा, सीएम केजरीवाल ने आतिशी की तपस्या सफल होने की कामना की है। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज मुलाकात हुई। पीएम ने राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता भी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंची, राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल शाम बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। नई सरकार के गठन के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने पर सियासत गर्म। 21 महीने बाद खोलने जा रहे हैं पगड़ी। रामनगरी अयोध्या में अपना मुंडन कराने के साथ ही सम्राट अपनी पगड़ी खोलेंगे। जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी मां समान है, मेरी जन्म देने वाली मां जब हमको छोड़कर जा रही थी और जब चली गई तब मैंने मुरेठा बांधा था। वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कहीं तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे, मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी, विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूर जी, सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता, लेकिन समाज, समाज की समृद्धि, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारा दायित्व है। 2 और 3 जुलाई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सम्राट चौधरी। अयोध्या में सिर मुंडवाने के बाद भगवान श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी डालेंगे। सम्राट चौधरी के मुताबिक 2022 में मां के निधन के बाद मुरेठा बांधा था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के बाद ही पगड़ी को खोलेंगे। आगामी बजट के लिए जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक जारी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही बैठक। बैठक से पहले निर्मला सीतारमण ने भारत मंडपम में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की।
काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। परिषद की ये बैठक 8 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। यूपी में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा एक्शन। ओम प्रकाश राजभर ने सुबह सपा की सभी कार्यकारिणी को भंग किया। 2027 विधानसभा के लिए नया संगठन बनेगा। यूपी के सभी प्रदेश मंडल जिला विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी को भंग किया गया। पार्टी में नई ऊर्जा के साथ नए संगठन का गठन होगा। हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान। कहा यूपी के सभी अस्पतालों में पैथोलॉजी के रिपोर्ट तत्काल मिले, ऐसी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में पैथोलॉजी की रिपोर्ट तत्काल मिले, ऐसी व्यवस्था की जा रही है और सभी अस्पतालों में इसे लागू कर दिया गया है। पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में मरीजों को उनके परिजनों को दिक्कत न हो, लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए भी सारे इंतजाम हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की प्रथम पूजा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनोज सिन्हा ने साल की पहली पूजा की। प्रथम पूजा में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कई अधिकारी शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा अमरनाथ यात्रा की तैयारी पूरी हुई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मनोज सिन्हा ने कहा 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। कोशिश है कि देश विदेश से जो भी श्रद्धालु अमरनाथ आए वो अपने साथ एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। बीएसपी प्रमुख मायावती अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी देंगी। आनंद अब उपचुनाव और आगे के चुनावों में पार्टी की बागडोर संभालेंगे। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का 6 महीने बढ़ सकता है कार्यकाल। राज्यसभा में भी नड्डा को मिल सकती है नेता सदन की जिम्मेदारी। दिल्ली सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाई। अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। ईडी के हाईकोर्ट जाने पर आप नेता संजय सिंह ने उठाए सवाल। संजय सिंह ने कहा मोदी जी न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं, ये मोदी सरकार की सरासर गुंडागर्दी है। उदित राज ने कहा नई संसद में अंबेडकर और बापू की तस्वीर लगाई जाए, नहीं तो 26 जून को प्रदर्शन करेंगे। उदित राज के आरोपों पर ओम बिरला ने कहा महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों को हटाया नहीं गया है बल्कि उन्हें प्रेरणा स्थल पर ससम्मान पुनर्स्थापित किया गया है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग उठाई। बिहार औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा लोकसभा में होंगे आरजेडी संसदीय दल के नेता। राज्यसभा में प्रेम गुप्ता को बनाया पार्टी ने नेता सदन। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 13 प्रचारकों की इस लिस्ट में मायावती, आकाश आनंद और अन्य लोग पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा परिसर में कल्ला कुरीची शराब त्रासदी पर एआईएडीएमके विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। एआईएडीएमके के अनुरोध को स्पीकर ने ठुकराया। शून्यकाल के दौरान समय ना देने पर एआईएडीएमके ने विधानसभा से वॉकआउट किया। कल्ला कुरीची शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। यहां जिला कलेक्टर एमएस प्रशांत ने इसकी पुष्टि की। नई संसद में गांधी अंबेडकर की तस्वीर ना लगाए जाने को लेकर सियासत तेज। उदित राज ने केंद्र सरकार को प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। उदित राज ने कहा नई संसद में अंबेडकर और बाबू की तस्वीर लगाई जाए, नहीं तो 26 जून को प्रदर्शन करेंगे। बाबा साहेब और महात्मा गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उदित राज के आरोपों पर ओम बिरला ने कहा कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों को हटाया नहीं गया है बल्कि इन्हें प्रेरणा स्थल पर ससम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया गया है। अटल सेतु में दरार को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। शुक्रवार को देश दुनिया में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पीएम मोदी, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, जवानों और आम लोगों ने योगा किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग कर पीएम मोदी ने दिया संदेश। लोगों के स्वस्थ जीवन शैली के लिए लोग योग अपनाने की अपील की। अटल सेतु में दरार को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस के दावे के बाद फडणवीस ने एक्सपर्ट पोस्ट, कहा कांग्रेस दरारों को लेकर झूठ बोल रहे हैं।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं, ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। नाना पटोले के आरोप के बाद बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार, कहा कांग्रेस झूठ की पाठशाला है, वो हमेशा झूठ फैलाने का काम करती है। कल कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अटल ब्रिज का दौरा किया। पटोले ने एक्स पर पोस्ट कर कहा बेहद चिंताजनक, जिस अटल सेतु पुल का उद्घाटन अभी हाल में ही हुआ उसमें दरार आ गई है। दिल्ली में पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा को लेकर हुई मॉक ड्रिल, शुक्रवार देर रात एनएसजी कमांडो के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। फिक्कीट ने अवैध सामानों की तस्करी रोकने की सेमिनार का आयोजन किया। डीआरआई के मुताबिक फिक्की कास्केट के चेयरमैन अनिल राजपूत समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। अवैध नकली सामानों की तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए किया गया सेमिनार का आयोजन। पिछले साल 3500 करोड़ रुपए की कीमत के अवैध सामानों को बरामद किया गया था। तुर्की में भारतीय राजदूत वीरेंद्र पॉल का आकस्मिक निधन, विदेश मंत्रालय ने जताया दुख। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत का बांग्लादेश से मुकाबला, सेंट लुसिया में खेला जाएगा मैच। T20 के सुपर 8 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। सुपर 8 में लगातार 2 जीत के साथ साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है।